बिहार की राजनीति में आज बहुत बड़ा दिन है और बुलेटिन की शुरुआत भी हम इसी खबर से करेंगे। रालोसपा का रविवार को जेडीयू में विलय हो गया है। पटना के जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू सांसद ललन सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज ये खुशी की बात है, पिछले बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी और जो रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अयोगेंद्र जी, उनके साथ भी इस चुनाव के बाद कई बार चर्चा होती रही, बातचीत होती रही, वशिष्ठ भाई से सबसे ज्यादा चर्चा होती रही और जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ इसके लिए मुझे बड़ी। और रालोसपा का जेडीयू में विलय के साथ नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। मिलन समारोह के दौरान संबोधन में नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की है। और पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में विलय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में कई बड़े नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, पार्टी का कुनबा और भी आगे बढ़ने वाला है। साथ ही सीएम नीतीश की भी जमकर सराहना उन्होंने की है। रालोसपा के जेडीयू में विलय होने के बाद से ही विपक्ष की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू में विलय के बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें सत्ता की चाह है और जनता के प्रति काम करने का बस वो दिखावा करते हैं। यही नहीं, एलजेपी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब जानती है और वो अपना हिसाब ले लेगी। जनता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया है, इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ये सत्ता लोलूप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे, जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में विलय पर आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजद गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रालोसपा नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कुशवाहा को रिजेक्ट मेडिसिन बताया है। जेडीयू में जा रहे उनकी पार्टी आज जो आरएलएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज स्वयं जेडीयू में जा रहे हैं। उनकी पार्टी नहीं जा रही है, उनकी जो पार्टी के जो लोग थे सब आरजेडी में ज्वाइन कर लिए और जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो भी आरजेडी में आने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रदेश स्तर पर कोई उनका जनाधार नहीं है। हम तो कहते हैं कि रिजेक्ट मेडिसिन है, उस मेडिसिन की उपयोगिता अगर नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि काफी उपयोगी होगा उपेंद्र कुशवाहा। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार के महामहिम राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि वह राज्यपाल को आवेदन सौंपने गए थे। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज किया था, उसी को लेकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी बातों को उनके समक्ष रखा।
ऐसी कोई बात नहीं है, माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए थे और खास करके निषाद समाज का आरक्षण को लेके हम लोग मिले हैं। बाकी ऐसे कोई बात नहीं है और मजबूती से हम अपनी बात को रखे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। देखिए बात तो निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई मुख्य लड़ाई है कि बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुँचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी ना होने देंगे, ये बात को लेके वचन दे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मोरा तलाव गांव पहुंचे, जहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। यही नहीं, जेडीयू एमएलसी ने सूबे में शराबबंदी को भी सफल बताया है कि जो उत्पाद अधिनियम का आरोपी है उसी को आगे कर करके विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किए। लज्जा नहीं लगा था कि जिस पर उत्पाद और मद्य निषेध अधिनियम के उल्लंघन का मुकदमा धनरुआ थाना में दर्ज है, उससे कहवा रहा है कि शराब की बिक्री बढ़ गई है, होम डिलीवरी हो रहा है। इस ढंग का आरोप लगाने की पात्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई 420 का आरोपी कहे कि 420 का घटना वहां हो गया है। बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्री नीरज कुमार बबलू का राजगीर जाने के क्रम में एनडीए कार्यकर्ताओं ने मोरतालाब इलाके में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री नीरज कुमार बबलू ने शराबबंदी को विफल बना बताने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही शराबबंदी लागू कर चुके हैं और वह लगातार ये डिमांड भी कर रहे हैं कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुहिम छेड़ रखी है, पर इस पर विपक्ष बेबुनियाद बातें कर रहा है जो सरासर गलत है। सूबे में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से पूरे राज्य में शराब बंद किए हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि पूरे देश में शराब बंद हो, तो यहाँ दूसरा कौन सा मुहिम छेड़ेगा? मुहिम तो माननीय मुख्यमंत्री ही छेड़े हुए हैं। शराब पूरी तरह बंद है और जहाँ भी जो पकड़ाता है उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निश्चय है और बिहार में हमें